पुडरा पुलिस ने स्मैक बेचने वालों पर फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाने की पुलिस ने 8.5 ग्राम स्मैक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अंचित शाह स्कूल बेलोड़ी के पास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा नशीले पदार्थ का कारोबार एवं सेवन किया जाता है। उसी गिरोह के सभी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि इसकी जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारी को देकर सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान नशीले पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मंकेश कुमार और सुशील कुमार बिलोड़ी का ही रहने वाला है, जबकि मयंक यादव मिल्की का रहने वाला है। सभी लोग बंगाल से स्मैक लाकर बिलोड़ी के आसपास के इलाके में बेचते थे। वहीं इस तरह की छापेमारी से स्मैक कारोबारियों एवं स्मैकरों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ खौफ साफ दिख रहा है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।